हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सेल्फ फेशियल। बहुत से लोग मेरी स्किन के बारे में पूछते हैं, आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग है, मतलब इतनी ग्लोइंग कैसे रहती है, इतनी शाइनिंग कैसे रहती है। तो जनरली जो पूरा वीकेंड होता है, पूरे वीकेंड में हमारी स्किन थक चुकी होती है, तो जब सैटरडे या संडे आते हैं उस दिन अपनी स्किन की केयर ज़रूर करें। तो जैसे सैटरडे होता है, नेक्स्ट डे होता है हमारा संडे, तो जो सैटरडे नाइट में होता है उस दिन आप नाइट में अच्छे से अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज फेशियल करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं नेचर एसेंस की हाइड्रेटिंग एलोवेरा बेस्ड के फेशियल किट यूज़ करने वाली हूँ। ये बेसिकली ड्राई स्किन के लिए बनाई गई है और मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो देखते हैं ये फेशियल किट कितनी अच्छी है, क्योंकि नेचर एसेंस के जो प्रोडक्ट है ना, इस मतलब ब्रांड के, इसका जो गोल्ड किट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे ना बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो मैंने इसकी हाइड्रेटिंग वाली किट ट्राई की है, ये जस्ट अभी आई थिंक न्यू ही आई है, बहुत ज़्यादा दिन न्यू है इसको। तो इसमें ना आपको क्या मिलता है, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इसमें आपको ये एक किट है, ये 100 रुपीज़ की किट है, आपको ईजीली किसी भी शॉप पर मिल जाएगी, नहीं तो आप फ्लिपकार्ट से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 4 पैक मिलते हैं, इस तरीके के सैशे आएंगे, तो ये इस तरीके के आपको 4 सैशे मिल जाते हैं और इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, नंबर 1 नंबर 2। तो जो जो है आप सीधा लेके लगा सकते हो। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम गलती से नंबर 3 वाला पैक लगा लेते हैं, कभी गलती से हम नंबर 2 वाला स्टेप कर लेते हैं, तो वो सब इसमें तो इसमें आपका सारा नंबर लिखा हुआ है, तो आप इजीली बिना देखे सीधा 4 नंबर लगाना है, 3 नंबर लगाना है, आराम से ले सकते हो। तो अब सबसे पहले हम क्या करें, अपने फेस को क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी मेकअप है आपका, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा जो भी लगाया है, वो सब क्लीन कर लो। ये माइसिलर वाटर ले रही हूँ, ऑयल बेस्ड वाटर ये माइसिलर ले रही हूँ, क्योंकि ये ना जो ऑयली वाला होता है वो आपकी डीपली आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जितना भी मेकअप है आप इससे रिमूव कर लें। वैसे तो मैंने नहीं लगाया था, पर फिर भी डस्ट आती ही है। और नेक को भी अच्छे से क्लीन कर लें। थोड़ा सा बड़े गले की आप टी शर्ट पहनो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपने फेस को स्टीम ज़रूर देनी है। कोई भी आप स्टेप कर रहे हो, स्टीम दो सबसे पहले। उससे क्या होगा, आपका फेशियल बहुत इफ़ेक्टिव होगा, आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा और लगेगा कि आपने फेशियल किया हुआ है। तो आप सिंपल हॉट टॉवल ले सकते हो, अगर ऑयली स्किन है तो प्रॉपर स्टीम दे सकते हो पानी गर्म करके, या फिर स्टीमर जो होता है, नहीं तो सिंपल हॉट वाटर लेना है और उसको निचोड़ के, जिसकी ड्राई स्किन है वो सिंपल हॉट वाटर लेके इसको स्टीम दे सकते हैं। बहुत गर्म हो रहा है। तो अब हमने स्टीम दे दी है, इसके बाद हम फॉलो करेंगे फर्स्ट स्टेप जो कि है क्लींस का। ये 1 टाइम फेशियल ही है, आप एक ही बार इससे फेशियल कर सकते हो। ये कुछ ऐसा सा क्लींजिंग ही लिखा है इसमें, सॉफ्ट है काफ़ी। इसके बाद इसको हम धो लेंगे अच्छे से। अब हम सेकंड स्टेप लेंगे, जो कि है हमारा जेल स्क्रब। इसका स्क्रब भी अच्छा है, आप देख सकते हो कैसा सा है ये इसका जेल। इसकी खुशबू ऐसी ना, ये ना आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे अपनी स्किन पे। अब हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से,
तो अब आप देख सकते हो कितना क्लीन हो गया मेरा फेस। और ये वाला जो जेल है ना, ये आपके फेस में काफ़ी ठंडक दे रहा है, तो समर्स के लिए ये किट बहुत अच्छी रहेगी। मेरी स्किन में ना एक कूलिंग सा इफ़ेक्ट आ रहा है, जैसे कि किसी ने आइस लगा दी हो। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे जेल, हाइड्रेटिंग मसाज जेल। दूंगी इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे, इससे क्या होगा ना, बहुत हद तक आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी इसको, उसके बाद हम मसाज करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक छोड़ दें लगा के। तो मैं इस जेल को निकालूंगी नहीं, इसको ऐसे ही रहने दूंगी, जितना एब्जॉर्ब होता है उतना रहने दें। उसके बाद मैं इसके ऊपर डायरेक्ट पैक लगाऊंगी। ये है नंबर 4 एलोवेरा पैक है ये ना, इसमें थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा है। तो मुझे 10 मिनट्स हो चुके हैं और इसने जितना एब्जॉर्ब करना था उतना एब्जॉर्ब कर लिया है फेस ने। अब देख सकते हैं इसने ये वाला सारा गायब हो गया है। तो अब इसको हम क्लीन कर लेंगे एक ठंडे वाटर से। ले रही हूँ इमोलिन की मैं अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, आप इसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगा लें। अब यहाँ पे आई के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अरोमा के अंडर आई क्रीम। जिसके डार्क सर्कल हैं या जिसकी आईज़ में रिंकल्स हैं, उनके लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है। ये भी जेल बेस्ड है और हमारे डार्क सर्कल को हटाने में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये 200-250 की रेंज में आपको मिल जाएगी। मैंने सेल में 160 की ही ली थी सिर्फ, इतनी सस्ती में मुझे मिल गई थी। वन टाइम है इसका यूज़ और मुझे किट बहुत अच्छी लगी, बहुत सॉफ्ट है। सारी क्रीम्स जो एलोवेरा जेल होता है ना, वो स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ड्राई स्किन के लिए ये वाली किट काफ़ी अच्छी रहेगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।